नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की अग्रिम चौकी पहुंचे, सैनिकों के योगदान को सराहा। बोले, हमारे स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की तैयारी। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना केस बढ़ने पर लिया फैसला, देर रात तक जारी होगी गाइडलाइन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चारधाम परियोजना समय पर हो पूरी। वन और पर्यावरण मंत्रालय से बनाया जाएगा तालमेल। गैरसैंण हाईवे को टू लेन बनाने को सैद्धांतिक सहमति। और वासुकीताल ट्रैक से लापता चारों ट्रैकर मिले। सोनप्रयाग लेकर पहुंची एसडीआरएफ टीम। सभी ट्रैकर स्वस्थ और सुरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है। पेंगोंग त्सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिक न केवल सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के गौरव की भी रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दुनिया के किसी भी देश पर न तो आक्रमण किया है और न ही दुनिया के किसी भी देश की एक भी इंच जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान ये हमारी पूंजी है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल प्रदेश में कोरोना के 199 केस आने के बाद सरकार प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कोरोना केस बढ़ने पर चिंता जताई और कहा कि व्यापारियों की भी मांग है कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखे जाएं। उन्होंने कहा कि 2 दिन की बंदी के दौरान शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। देर रात तक गाइडलाइन तैयार होने की संभावना है। अभी कल अचानक 200 केस आए हैं और देर रात तक देखे तो ये संख्या और अधिक हुई है, तो इसके लिए एक ही समाधान कि हम एक गैप तैयार करें, उसके जो साइकिल है उसको ट्रैक करें। सैटरडे संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए और हालात भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की जरूरत है। इसी दृष्टि से कि सैटरडे संडे को हमने इस पर विचार किया है। आज हम इस पर बैठ करके और इसकी गाइडलाइन तैयार कर लें कि किन लोगों के लिए निषेध रहेगा, कौन लोग आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार होगा।
वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने जिले में एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए हैं। एंटीजन टेस्ट से महज 25 मिनट में कोरोना पॉजिटिव का पता लग जाता है। ये टेस्ट हॉटस्पॉट इलाके में या उन मरीजों पर किया जाता है जो दूसरे कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हों। इस टेस्ट के पॉजिटिव आने पर कोरोना मरीज का पता चल जाता है, लेकिन यदि सैंपल नेगेटिव रहता है तो ये तय नहीं किया जा सकता कि उसे कोरोना है या नहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि अब तक 4,804 एंटीजन टेस्ट किए जा चुके हैं। काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर और खटीमा में टेस्टिंग जारी है। बॉर्डर एरिया पर भी टेस्टिंग की जा रही है। 4,800 जो हमने एंटीजन टेस्ट किए, जैसे काशीपुर में हुआ था, हमारी टीम 11 तारीख को वहाँ पहुँच गई थी। 12, 13, 14, 15 हम लोगों ने वहाँ एंटीजन टेस्ट किए, जो टोटल 4,804 हैं, जिनमें हमारे 126 पॉजिटिव आए। और अभी भी हमारी वहाँ पर सैंपलिंग चल रही है। जिले में सभी जगह RT-PCR बाजपुर, काशीपुर और खटीमा को हम लोगों ने अपने एंटीजन टेस्ट भी कर दिए। और बॉर्डर इलाके में भी हम लोग एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से संदेह हुआ था उसको एंटीजन टेस्ट से तुरंत उस पर पॉजिटिव आता है तो हम लोग तुरंत उसको अपने हिसाब से उसको हम एडमिट करें, ताकि वो आगे न फैला सके। और जो भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है उस वाले में डोर टू डोर उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड कॉन्टैक्ट, थर्ड कॉन्टैक्ट उठे जा रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम समय में इस पूरे को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चारधाम परियोजना को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। चारधाम परियोजना को लेकर आज श्री गडकरी ने वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें। केंद्र और राज्य स्तर पर के संबंधित अधिकारी लगातार बैठकें आयोजित कर आपत्तियों को निस्तारण करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी से गैरसैंण को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 87 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309A को विकसित कर टू लेन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के फलस्वरूप यातायात बढ़ने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत नेशनल हाईवे 87 का चौड़ीकरण अपरिहार्य है। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए इसकी DPR मंत्रालय को शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय द्वारा चारधाम परियोजना से संबंधित सभी प्रकार की क्लियरेंस का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि कुल 826 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना का 350 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश में डेंगू के खतरे को देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए भी जागरूकता लाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में भी डेंगू के केस मिले हैं, शहरों को सैनिटाइज करने की जरूरत है। डेंगू के भी केस हरिद्वार में कल 2 आए और इसलिए उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि जागृति हो, सैनिटाइजेशन हो। तो सैटरडे संडे सैनिटाइज करने के लिए भी उनको समय मिलेगा। इस बीच देहरादून में भी डेंगू के खिलाफ तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन महीने भर से अपने स्तर पर एंटी डेंगू अभियान चला रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में पहले बुधवार और शनिवार को डेंगू के लार्वा की चेकिंग हुआ करती थी, लेकिन अब रविवार को भी चेकिंग की जाएगी। पिछले एक माह से डेंगू अभी के लिए जो है एंटी डेंगू अभियान चला रहे हैं और कंटिन्यूस लार्वा की चेकिंग हर बुधवार और शनिवार को कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि रविवार को भी इसको किया जाए। तो ये अभियान ऐसे ही चलता रहेगा और हमारा पूरा प्रयास है कि हम जितना हो सके डेंगू के प्रसार को रोक सकें।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रोथ सेंटर से संबंधित योजना का आकलन करें, ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री आज देहरादून में उद्योग विभाग के तहत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रोथ सेंटरों के आउटपुट का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये भी देखा जाए कि संचालित ग्रोथ सेंटरों से संबंधित क्षेत्रवासियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इनकी ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एग्री बिजनेस से जुड़े ग्रोथ सेंटरों को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा सकता है, इससे किसानों और ग्रामीणों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग एक वेबसाइट तैयार करे जहां सभी ग्रोथ सेंटरों में बनाए जा रहे उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना भी इसी सोच पर आधारित है। गौरतलब है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाने हैं। अब तक 96 ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। केदारनाथ से लापता 4 ट्रैकर्स को आज राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी एसडीआरएफ की टीम सकुशल सोनप्रयाग ले आई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीआरएफ टीम की सराहना करते हुए कहा कि ये हर्ष का विषय है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वासुकीताल से त्रियोगी नारायण ट्रैक पर पिछले दिनों लापता हुए चारों यात्री मिल चुके हैं। एसडीआरएफ की टीमों द्वारा इस त्वरित और सफल रेस्क्यू कार्रवाई के लिए टीमें बधाई की पात्र हैं। चारों ट्रैकर्स का 13 जुलाई से पता नहीं चल रहा था। एसडीआरएफ टीम को खराब मौसम के कारण समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इनकी लोकेशन तोशी गांव के जंगल में मिली। तोशी गांव के जंगल में चारों ट्रैकर्स मिल गए। एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैकर्स को कल रात गांव में ही आराम कराया और आज सुबह टीम ट्रैकर्स सहित सोनप्रयाग पहुंची। इन चारों ट्रैकर्स में 2 देहरादून और 2 नैनीताल जिले के हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन को चिकित्सा उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। हल्द्वानी में नैनीताल जिले के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिला खनन न्यास निधि और जिला योजना के बजट को भी खर्च करने की अनुमति दी गई है। बैठक में खनन न्यास समिति, जिला योजना और 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के अलावा प्राधिकरण को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। उन्होंने प्राधिकरण के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। प्राधिकरण द्वारा नैनीताल शहर के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। शाम हमने जिला योजना के संबंध में समीक्षा की थी। चूंकि अभी चुनाव न होने के कारण मामला जब हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि फिलहाल प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से जिलाधिकारी जिला योजना में कुछ काम करा सकते हैं, जिसमें खासतौर पर कोविड और हेल्थ के काम, उनकी समीक्षा हम लोगों ने की और बाकी जो जरूरी काम थे वो काम की स्वीकृति भी दे दी गई थी। खनिज न्यास की बैठक में खासतौर पर जो जरूरी काम थे, खासतौर पर कोविड वाले हॉस्पिटल के लेकर कुछ इक्विपमेंट हैं, कुछ बड़ी और मशीनें हैं, उन सब की अनुमति भी आज इस बैठक के माध्यम से दे दी गई है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि गांव लौटे प्रवासी पशुपालन को रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। सरकार उन्हें पशुपालन के लिए प्रोत्साहन दे रही है। वे अल्मोड़ा विकास भवन में अपनी विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन, मुर्गी पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए ऋण में सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिसमें मत्स्य पालन है, पशुपालन है और चाहे उद्यान का काम कर ले, चाहे वो किसी को ट्रेनिंग का काम कर ले या विनिर्माण का काम कर ले या सेवा का कार्य कर ले, जिसमें 25% की सब्सिडी है, 10% की सब्सिडी है, वो इससे प्रवासी भाई बहन हमारे इससे शुरुआत कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस स्वरोजगार के को अपनाने से पलायन पर भी ब्रेक लगेगा और उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलियन मरीनो भेड़ के संबंध में श्रीमती आर्या ने कहा कि प्रदेश में चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पहले से भेड़ पालन को उद्योग के रूप में देखा जाता रहा है। यहां पर भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया से 240 मरीनो भेड़ मंगाई गई है, जिन्हें टिहरी के कापड़ी धार में रखा गया है, जहां भेड़ों की उच्च कोटि की नस्ल विकसित कर इस व्यवसाय से जुड़े काश्तकारों को दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उद्योग के रूप में इसे अपना सकें।
कि हमारी जो स्वयं पहाड़ की जो भेड़े हैं उसमें इन ब्रीडिंग की बहुत शिकायत आ रही थी, यानी कि एक ही ब्रीड लगातार जो है उससे बच्चे पैदा हो रहे थे, जिससे कि ये देखने को मिल रहा था ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी ना उसका मटन के रूप में उसका प्रयोग अच्छा था। तो इस तरह से उनको जो उचित मूल्य ऊन का मिलना चाहिए या उनके मीट के मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए निर्णय पूरे कैबिनेट स्तर से किया गया कि मेरिनो भेड़ जो है वो आयातित किया जाए, जिसके लिए 240 मेरिनो भेड़े लाए गए जिसमें 200 फीमेल और 40 मेल लेकर आए गए। इसको कुपड़घर में रखा गया है और इसको पूरी तरीके से परीक्षण इसके साथ किया गया है। अभी तक मैं मानती हूँ कि सारे जो भेड़े हैं वो अभी स्वस्थ हैं। निश्चित रूप से जो हमारे मेल हैं इसकी एक जनरेशन हमारे फार्म पे, दो जनरेशन हमारे फार्म पे, तीसरी जनरेशन के लिए हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। बागेश्वर जिले के रूनी खेत निवासी रिटायर्ड कैप्टन नारायण सिंह उन्योड़ी युवाओं को सेना में जाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्री उन्योड़ी इलाके में युवाओं को नशे से बचाने की कवायद भी कर रहे हैं। 12वीं कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात नारायण सिंह 2017 में ऑनररी कैप्टन पद से रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने गांव के एक युवक को घाट बगड़ रूनी खेत मैदान में निःशुल्क ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मौजूदा समय में उनके पास हल्द्वानी, सोमेश्वर, चौरा, कपकोट और दफौट के दूरस्थ क्षेत्रों से 40 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। श्री उन्योड़ी का कहना है कि युवाओं में देशभक्ति का जज्बा है और वो सेना में जाकर देश रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो मैंने धीरे धीरे इधर शुरू किया इस ग्राउंड में, इसको थोड़ा इन्हीं बच्चों से थोड़ा सफाई करवाई। पहले बच्चा तो मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा आता था, फिर धीरे 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 एक बच्चे से बढ़ते उसके बाद जब फर्स्ट बार जब भर्ती हुई इनकी 2017 में, तो उसमें मैंने 25 लड़के जो है ट्रेन करके यहाँ से भेजे थे। उन 25 लड़कों में फिनिशिंग तक 5 से 6 लड़के भर्ती हुए। कैप्टन उन्योड़ी भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए बने मानकों की निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुबह 5 से 7 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही लिखित परीक्षा भी की भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है। इसके साथ ही हर रविवार को युवाओं की फिजिकल प्रोग्रेस को आंका जाता है। पिछले 3 साल में उनसे ट्रेनिंग लिए 17 युवा स्पेशल फोर्स, लद्दाख स्कॉट, पैरा कमांडो सहित अन्य बटालियनों में भर्ती हो चुके हैं। मैंने यहीं से सब कुछ सीखा, हमको नारायण सिंह ने सिखाया यहीं, और एक यहीं सीखा मैंने ट्रेनिंग यहीं की। और जितने भी हैं आते हैं सब, मैं युवा से कहता हूँ यहाँ अच्छी शिक्षा ले और फ्री कराते हुए, फ्री सेवा है, और जो भी यहाँ शिक्षा लेंगे उसे बहुत लाभ मिलेगा। और मैं फर्स्ट चांस में भर्ती हो गया, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। इस मुहिम में कैप्टन नारायण सिंह अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूर्व प्रिंसिपल चंदन सिंह परिहार भी जुड़ गए हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रहे युवाओं का लेखा जोखा रखने में मदद करते हैं। 17 बच्चे तो क्या कहते हैं भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी में अलग अलग उसमें जा चुके हैं, और उसमें से 12 बच्चे अभी जो रानीखेत में भर्ती हुई थी रिसेंटली में जनवरी फरवरी वो उसमें, तो उसमें मेडिकल में गए हुए हैं। और क्या कुछ क्या कहते हैं, और जो अभी अपकमिंग भर्ती आने वाली है सितंबर अक्टूबर जब भी आएगी वो परिस्थितियों को देखते हुए, उसके लिए लगभग 35 से 40 बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उनके साथ हम क्या कहते हैं, चाहे रिटर्न हो, फिजिकल हो, या जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है वो हम मिलकर करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की अग्रिम चौकी पहुंचे, सैनिकों के योगदान को सराहा, बोले हमारे स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की तैयारी, मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना केस बढ़ने पर लिया फैसला, देर रात तक जारी होगी गाइडलाइन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा चारधाम परियोजना समय पर हो पूरी, वन और पर्यावरण मंत्रालय से बनाया जाएगा तालमेल, गैरसैंण हाईवे को 2 लेन बनाने को सैद्धांतिक सहमति। और वासुकीताल ट्रैक से लापता चारों ट्रैकर मिले, सोनप्रयाग लेकर पहुंची एसडीआरएफ टीम, सभी ट्रैकर स्वस्थ और सुरक्षित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।